पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। उसके अलावा 12 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज हुई है। सबसे अधिक वर्षा जो है जजपुर के बिंजारपुर में 105 मिलीमीटर दर्ज हुई है। अगर हम बात करें हाईएस्ट डे टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर झारसुगुड़ा का 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर का 32.2 और कटक का 33.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें सीजनल टोटल की, तो 1 जून से लेकर आज 24 सितंबर तक अभी तक 1034.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से 8% अभी नीचे चल रही है। 8 डिस्ट्रिक्ट 9 डिस्ट्रिक्ट है अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। अब बात करते हैं सिनोप्टिक सिस्टम की, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे थी, उसके प्रभाव के अंदर एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ नॉर्थ आंध्र एंड साउथ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर। इसकी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रही है और हाइट के साथ ये साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में टिल्टिंग भी सिस्टम भी दिख रही है। और इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज उड़ीसा में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह 25 और 26 को पूरे उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके 27, 28, 29, 30 तारीख को पूरे उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आज यानी डे वन में नॉर्थ उड़ीसा और साउथ कोस्टल उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। इन्हीं जगह पे आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए भी येलो अलर्ट दिया गया है। उसके अलावा कंधमाल, रायगढ़, कलाहांडी, नुआपाड़ा इन जगह पे भी जो थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है डे वन यानी आज के लिए। उसके बाद डे टू 25 तारीख को बारगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा ये डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। उसके अलावा आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए भी येलो अलर्ट दिया गया है। और 26 तारीख को केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसके से येलो अलर्ट दिया गया है।